Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से जरूर शेयर कीजिए. क्या पता आपके एक शेयर से किसी को अपनी बीमारी का इलाज मिल जाए. जब हम बच्चे होते हैं सोना नहीं चाहते, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम चाहते हैं कि कैसे भी करके एक घंटा और सोने को मिल जाए. लेकिन क्या आपको पता है नींद हमारी हेल्थ पे भी असर डालती है. अनिद्रा का अल्जाइमर्स डिजीज, कैंसर, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और खराब मानसिक संतुलन से बहुत गहरा संबंध है. आपने सुना ही होगा कि हमें कम से कम 8 घंटे तो सोना ही चाहिए. अच्छा, आपको क्या लगता है कितने घंटों की नींद अनिद्रा की श्रेणी में आती है? 5 घंटे? 4 घंटे? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 7 घंटे से कम की नींद आपके शरीर के लिए घातक है. रेगुलर बेसिस पे अगर आप 7 घंटे या 7 घंटे से कम की नींद ले रहे हैं, आप उन लोगों की श्रेणी में आते हैं जो नींद की समस्या से जूझ रहे हैं और जरूरत है कि आप चीजों को बदलें. इंसानों का इवोल्यूशन इस तरीके से नहीं हुआ है कि वो 7 घंटे से कम की नींद में सरवाइव कर सकें. हम इसे हैंडल ही नहीं कर सकते. उदाहरण के लिए, अगर आप एक रात को ठीक से नहीं सो पाए तो आपके शरीर में कैंसर से लड़ने वाले सेल्स में 70% तक गिरावट आ जाती है. कई स्टडीज में सामने आया है कि जितनी कम आपकी नींद होगी आपका जीवन भी उतना ही छोटा होगा. जरा देखिए, अनिद्रा के चलते इन कंट्रीज को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है. इसे हमें किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. तो आखिर हम अनिद्रा यानी नींद की संबंधित परेशानी से जूझ क्यों रहे हैं? क्या हम हमेशा ऐसे ही थे? नहीं. नींद की कमी एक बढ़ती हुई महामारी की तरह है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी आज की जीवन शैली जिम्मेदार है. चीजें जैसे कि स्ट्रीट लाइट से आने वाली रोशनी, हमें नींद से डिस्ट्रैक्ट करने वाले हमारे स्मार्टफोन्स, लंबे वर्किंग आवर्स और फिर हमारी सोशल लाइफ, जिम जैसी चीजों में हमारा दिन और भी स्ट्रेस कर दिया है. हमारे बीच एक बड़ी विचित्र बात ये प्रचलित है कि सोना एक आलसी लोगों का काम है, जबकि ये गलत है. सब में ऐसा स्मार्ट लोगों के साथ होता है. और कमाल की बात यह है, इस महामारी को ठीक करने के लिए किसी भी दवा की जरूरत नहीं है. बस जरूरत है कि हम अपने आप को नींद के महत्व के बारे में जागरूक करें और साथ ही हमें चाहिए कि हम 8 घंटे की पूरी नींद का एक शेड्यूल तैयार करें. अगर आप नींद की समस्या से बचना चाहते हैं, बीपी, शुगर, गठियाबाई, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल पेन, अगर इन सारी प्रॉब्लम से आप परेशान हैं, तो अगर आप नुगा बेस्ट को अपनाएंगे तो उससे आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है. सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी बीमारी के इलाज के लिए अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, अलग अलग मेडिसिन खानी पड़ती है और अलग अलग इलाज लेने पड़ते हैं. पर नुगा बेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी स्पाइन को कवर करता है और एक ही बार में सारी चीजों को एक साथ ही रिकवरी देता है. मतलब कि ऑल इन वन एक डॉक्टर नुगा बेस्ट, जिसकी थेरेपी लेने से आपकी बॉडी में वो चेंजेस आएंगे जिस चेंजेस के लिए आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास घूम चुके हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है. नुगा बेस्ट ज्वाइन करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी. ये 4 चीजें जो आपको नुगा बेस्ट ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करेगी. नंबर 1, सही नींद आपको स्लिम रखने में मदद करेगी. जो लोग 7 घंटे से कम सोते हैं उन लोगों का अक्सर वेट ज्यादा हो जाता है, साथ ही उनमें ओबेसिटी होने का भी खतरा हो जाता है. नंबर 2, नींद हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है. लंबे समय से चली आ रही नींद ना आने की बीमारी डिप्रेशन और एंग्जाइटी का कारण बन सकती है. नंबर 3, अच्छी नींद हमें हार्ट से होने वाली बीमारियों से बचाती है. नंबर 4, नींद फर्टिलिटी को बढ़ाती. तो 8 घंटे की नींद किसी दवाई की तरह है जो कई तरीके की बीमारियों को ठीक करती है. वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू. अब इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. नुगा बेस्ट जयपुर में आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे.